मैं समझा दूंगा माँ को। पूजा मैं समझाऊंगा, मैं कह रहा हूँ इसमें की जान तुम्हारा सीरियस वाली बनाई हमारा क्या पूजा, हमारी खुशी उसका क्या हर्ट करूंगा। लेकिन
नहीं तू चोर चोर ना मैं चोर नहीं हूँ बेचारा कबीर और जब सब तेरे खिलाफ है तब भी वो तेरे साथ खड़ा है अरे तुझे ये भी अंदाजा नहीं होगा ये तो सर सीन्स के आंसू हैं बट हाँ एक इमोशनल मोमेंट भी है और काफ़ी सैड मोमेंट है हम दोनों के हम लोगों के लिए एक्चुअली सबके लिए हालांकि पूरी फैमिली आज शूट नहीं कर रही है बट स्पेशली हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं बिकॉज हम लोग डे वन से एक साथ शूट कर रहे थे और एक अलग ही अटैचमेंट हो गई थी शो के साथ तो आई थिंक वो एक बहुत एक हम लोगों के लिए एक सेटबैक है कि यार शो अब जा रहा है कुछ नहीं सर बस वही आज मैं मौन व्रत पे हूँ आई कांट रियली मैं एक्सप्रेस करने में बहुत बुरी हूँ बट हाँ ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है बहुत अच्छी फैमिली बन गई थी हमारी बट वही हर शो की डेस्टिनी होती है तो हाँ आज वो जर्नी ख़त्म हो रही है वह जर्नी हमारी जितनी भी थी 5-6 महीने की आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की और बुरा ऑफ कोर्स लगता है किसी नहीं लगता क्योंकि 300-400 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व होती है 100-150 टेक्नीशियंस होते हैं उनकी फैमिली होती है सो आई थिंक ओवरऑल सबके लिए बुरा लग रहा है एंड यू नो व्हेन यू नो दैट फॉर अ फैक्ट यार आपका शो अच्छा जा रहा होता है चीज़ें होती हैं फिर तो वो तब क्योंकि आपका 100-200% आपने दे रखा होता है आपको पता होता है कि यार यू गिवन योर एवरीथिंग टू द शो वट एवर 6 months ऑफ योर लाइफ टू द शो एंड वो चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होती फ्रॉम द अदर एंड सो वो चीज़ आई एम श्योर जितना दिल हमारा टूट रहा है उससे कहीं ज़्यादा उनका भी टूट रहा है क्योंकि दे ऑल्सो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ इमोशंस कैरेक्टर्स को इतना प्यार करते हैं उनके लिए इतना झगड़ते हैं हम बस थैंक यू कहना चाहेंगे और कुछ कर नहीं सकते हमारे पास हमारे हाथों में और कुछ होता नहीं है तो वही थैंक यू सो मच हम ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे एंड वी प्रॉमिस टू लव यू ऑल थैंक यू दैट्स इट आई मीन द सेम थिंग आई थिंक फैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर एंड बीइंग सपोर्टिव टू अस वेल हाँ उस सीन में ये हो रहा है कि माँ इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है माँ ने दो कंडीशन रख दी है कि या तो घर में मैं रहूँगी या ये रहेंगे तो आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट वाला सीन है वेर इन शी डिसाइड्स टू गो एंड वो जाने लगती है और मैं इनको आके बोलता हूँ कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी मैं माँ को समझा लूँगा एंड वो एक लास्ट मारती हूँ डायलॉग मारती हूँ और मैं बोलता हूँ गुस्सा आता है मैं ठीक है जाने निकल जाओ ऐसे से यार लास्ट डे कहें या फर्स्ट डे कहें बिकॉज हमने शुरुआत इसी डोर से की थी यहीं पे हमारी एक शुरुआत यहीं पे गाड़ी आके रुकी थी और यहीं से एंट्री हुई मारी थी हम लोगों ने और सेम सीन जो हमारा एंड सीन था वो भी वैसे ही था जिसमें कि मॉम आके आरती उतार रही हैं हम दोनों हंसी मतलब घुस रहे हैं घर के अंदर So yeah, so like yeah. moment. moment पहले हमने सीन शूट किया था इसमें आप आते हैं खिड़की से कूद के और कुछ अच्छा रोमांस होता है वो उस सीन के बारे में बताना चाहेंगे क्या था अरे यार वो तो बहुत पुराना सीन हमें हमें एक्चुअली माँ ने बोला है कि दो अलग अलग कमरों में रहो क्योंकि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है तो ये खिड़की से कूद कूद के छलांगे मार मार के मुझसे मिलने आते हैं तो हम टीनेजर्स की तरह मिलते हैं प्यार कर रहे हैं थैंक यू